नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग लगभग, मुझे लगता है, 3-4 महीने से हम इसमें लाइव क्लास बंद कर दिए थे। प्यारे बच्चों, पहले हम लाइव क्लास आपको दे रहे थे बीएससी सेकंड ईयर का, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वह भी बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे सब स्टार्ट होगा। आज हम कैलकुलस पेपर टू, है ना, कैलकुलस बीएससी का, ठीक है, इसको शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम बताने वाले हैं आपको एप्सिलॉन डेल परिभाषा के द्वारा सीमा और सांतत्यता किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी एप्सिलॉन डेल टेक्निक के थ्रू लिमिट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों आज आपको क्या हम बताते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और देखते जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो, सीमा एवं सांतत्यता, ठीक है, ये देखिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, चलिए। तो ऐसे तो आप लिमिट के बारे में क्लास 11th और 12th में पढ़े हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपने जो 11th 12th में पढ़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, एप्सिलॉन डेल परिभाषा के द्वारा किस तरीके से इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए मैं यहां पर राइट करता हूं एप्सिलॉन डेल परिभाषा, ठीक है, ये देखो, हम लिमिट की एप्सिलॉन डेल परिभाषा देख रहे हैं। देखो इसके लिए क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए कहा जाता है, मान लो, ये देखो, एफएक्स एक्स का कोई फलन है, ये देखिए, हमें एफएक्स एक फलन दिया है, ठीक, तब यहां पर क्या बताएंगे हम, ये देखिए, तब संख्या एल बिंदु x इज इक्वल ए पर, बिंदु x इज इक्वल ए पर क्या कहलाता है, एफ एक्स की सीमा लिमिट कहलाती है। ये देखिए क्या बोला, मान लो एफ एक्स एक्स का कोई फलन है, एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तब नंबर एल पॉइंट एक्स इज इक्वल ए पर, है ना, एफ एक्स का क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा प्यारे बच्चों, कब कहलाएगा, यदि स्वेच एप्सिलॉन, धनात्मक संख्या एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, या आप कह दो यदि, ये देखिए ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्या, यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धनात्मक पूर्णांक, देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक डेल इज ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार है, कैसा है, देखिएगा, जीरो, देखो बच्चों, जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लॉइज एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन कितना, एप्सिलॉन, ये देखिए क्या राइट करेंगे, दिए हुए
धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धन पूर्णांक, डेल इज ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार होता है प्यारे बच्चों कि जीरो इज लेस देन मॉड मापांक एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस ढंग से हम करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखो बच्चों, ये तो आपको मिला, तो हम इसी को आपने जो क्लास ट्वेल्थ में सॉरी इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा है उस तरीके से क्या राइट कर सकते हैं, एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल कितना हो गया एल। ये देखियो आपने पढ़ा था, ये याद करो। यानी आपको यदि दिया है लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल एल, तो आपको क्या राइट करना है प्यारे बच्चों, दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धन पूर्णांक डेल इज ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी इतना को इतना राइट कर सकते हैं और इतना को इतना राइट कर सकते हैं, यही एप्सिलॉन डेल परिभाषा है। इसी परिभाषा के थ्रू आज क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार रिपीट कर दें इसको, और चलो एक बार रिपीट देख लो बच्चों। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, देखो सीमा एवं सांतत्यता, इसके लिए हमने देखा एप्सिलॉन डेल परिभाषा। ये एप्सिलॉन डेल परिभाषा क्या बताया मैं, मान लो एफ एक्स एक्स का कोई क्या है फलन है, तब नंबर एल संख्या एल बिंदु एक्स इज इक्वल ए पर फलन एफ एक्स की सीमा कहलाती है यदि दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धन पूर्णांक डेल इज ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार होता है प्यारे बच्चों कि जीरो इज लेस देन एक्स माइनस ए मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन कितना एप्सिलॉन। ठीक है, यानी आपने इस पूरे को क्या राइट किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल एल। ठीक, हम इसको क्या कहते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी असमीका। इनइक्वलिटी हिंदी में कहते हैं असमीका। याद रखिएगा इस असमीका भी का भी काम है, आगे हम थ्योरम देखेंगे उसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसका अर्थ भी यहां पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल है, उसका भी अर्थ होता है, आपको मालूम है मापांक मतलब निरपेक्ष मान होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। हम पहले क्वेश्चन बनाने के पहले उसका प्रोसीजर बना देते हैं कि इसको किस ढंग से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ अभी हमारे क्लास में हमको दिख रहे हैं अंकित मौर्य जी, खुश रहो बेटा। डेविड साहू जी, बीएससी फाइनल का भी स्टार्ट कीजिए सर। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम बीएससी फाइनल का भी लाइव आने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अच्छा सर ब्लैक कलर का बोर्ड में करें, चलो ठीक है ब्लैक कलर में करते हैं, या फिर एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, अभी तो निकल गया है जो भी है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है अंकित जी, चलो देखें आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ चलिए बच्चों देखिए, अब हम क्या बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे। आपको डायरेक्ट बुक में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है पहले उसका प्रोसीजर देख लेते हैं, बना लेते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, कैसे दिया रहेगा देखना, ये देखिए सत्यापित कीजिए, यह आपको दिया रहेगा सत्यापित कीजिए। कैसे दिया रहेगा देखो,
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल एल, ये देखो ऐसा दिया रहेगा आपको, ठीक है अभी ठीक है बच्चों, कलर इसका एक सेकंड ना, हाँ इसमें तो ठीक नहीं दिख रहा है बच्चों, है ना, मैं एक काम करता हूं इसको व्हाइट कलर में कर देता हूं, कलर डिसाइड करना पड़ेगा लग रहा है, देखते हैं, एक काम करते हैं दूसरा बोर्ड ले लेते हैं, तो रुक जाओ बच्चों, तो चलिए इसमें देखते हैं, ठीक है देखो हमें यहां पर क्या करना है, प्रोसीजर बनाना है, आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा प्यारे बच्चों, देखिए कैसे दिया रहेगा, सत्यापित कीजिए, ये देखो सत्यापित कीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल कितना एल, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले बना लेते हैं भाई, अब सबसे पहले आप राइट करना, ये देखो सबसे पहले आप राइट करना, क्या राइट करोगे, हमें सत्यापित करना है या दर्शाना है, ठीक है, कि दिए हुए, ये देखो दिए हुए एप्सिलॉन, जो परिभाषा आपने लिखा है, आपने राइट किया ना लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल एल, जिसको कि आप राइट करते हो जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, उसी को मैं राइट करने वाला हूं। हमें सत्यापित करना है कि दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धनात्मक पूर्णांक डेल इज ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व इस प्रकार है, कैसा है, ये जो परिभाषा आपने लिखा है उसी को लिया हूं मैं, इस प्रकार है कि जीरो इज लेस देन मॉड, यहां पर जो दिया रहेगा लिमिट, ये देखो ये वाला लिमिट को क्या करना है ध्यान देना, एक्स माइनस ए, क्वेश्चन बनाएंगे आसानी से समझ में आएगा, एक टेक्निक बता रहा हूं आपको, जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल, और ये जो दिया रहेगा ना इंप्लाइज आप क्या रखना, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन कितना एप्सिलॉन, ये हमको दर्शाना है भाई। अब इतने को दर्शाना है तो उसको दर्शाने के लिए हम सबसे पहले यहां पर क्या लेकर के चलेंगे, असमीका बताएंगे, परंतु हमारे पास असमीका कितना है, देखो ये देख लो, यहां तक नोट कर लो पहले इसको, चलो आगे देखें, परंतु असमीका इनइक्वलिटी जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन कितना डेल, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जो एफ एक्स माइनस एल राइट किए हो, ये देखो किसको राइट किए हो आप, ये देखो इसको, तो इसका आप इधर वाला एलएचएस वाला लेकर चलोगे और आरएचएस को लेकर आओगे, कैसे अभी बताएंगे, आप मॉड एफ एक्स माइनस एल लेकर चलोगे और लेस देन एप्सिलॉन लाओगे, तो चलो हम लोग क्या काम करते हैं, मॉड ये देखिए एफ एक्स माइनस एल लेकर चलेंगे और यहां पर इसको देखते हुए आपको जो दिया है उसको देख, असमीका को सीन करते हुए, असमीका को देखते हुए यहां पर कुछ ऐड करते हैं और कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं, मैंने सपोज इसमें ऐड किया सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे मिल गया चलो माइनस एक्स माइनस ए और यहां पर प्लस ए मिल गया, सपोज किया मैंने, मैंने एफ एक्स के जगह में मैंने एक्स माइनस ए, देखो क्वेश्चन में आसानी से समझ में आएगा, एक प्रोसीजर की बात कर रहा हूं कैसे करना है, सपोज मैंने माना कि एफ एक्स के जगह में एक्स माइनस ए यानी एक्स है, एफ एक्स के जगह में एक्स है, तो मैंने क्या किया यहां पर जो भी वैल्यू रखा उसको प्लस ए और माइनस ए कर दिया। अब इसको त्रिभुज असमीका जानते हो आप, इसको ऐसा कर सकते हैं बच्चों, हमने किया त्रिभुज असमीका, यहां पर देखिए त्रिभुज असमीका ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होता है, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स प्लस कितना हो गया मॉड वाई, तो इस तरीके से अब हम यहां पर क्या करेंगे,
मान लो हमारे पास ये इस तरीके से आया, तो समीकरण एक से क्या करोगे, इसको वैल्यू रखोगे, इसका वैल्यू कहां रखोगे, समीकरण एक से इसमें रखोगे। तो सपोज मेरे को मिल गया यहां पर जैसे दिया है उसके हिसाब से डेल प्लस ए, मैंने इसके जगह में लेस देन डेल डाल दिया और ए तो नंबर ऑलरेडी है, दोनों मिलाकर नंबर यहां पर वेरिएबल था, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, केवल नंबर होना चाहिए। अब यहां पर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस डेल का चुनाव करना है, हमें डेल का चुनाव करना है ताकि यहां पर क्या आ सके, लेस देन एप्सिलॉन आ सके। अब यहां पर क्या कहेंगे, डेल का चुनाव, डेल का सिलेक्शन इस प्रकार करते हैं कि इसके जगह में क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए। तो डेल इज इक्वल, मैंने यहां पर एप्सिलॉन सेलेक्ट किया जैसे यहां पर दिखा रहा हूं उसके बेस पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहां पर ये समझ गए, अब मुझे मिलेगा यहां पर देखिएगा एफएक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो इस प्रकार यहां पर कहेंगे डेल का अस्तित्व है और इसलिए हम राइट कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल कितना एल। ये बन गया प्रोसीजर। कभी कभी आपको यहां पर ये देखो यहां पर दो फंक्शन आएगा, उस समय डेल इज इक्वल वन को सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन आएगा बताऊंगा वहां पर। तो चलिए बच्चों अभी हो सकता है प्रोसीजर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे पूरा समझ में आ जाना है कैसे बनेगा। ठीक, मैंने एक आपको रास्ता दिखा दिया है कि इस रास्ते से होकर चलेंगे, हर क्वेश्चन में इसी रास्ते से होकर चलेंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनाएंगे पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बन जाना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना, आगे क्वेश्चन इसको नोट कर लिए ना, चलो आगे क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखते जाइएगा कैसे बनता है आपको पता चलते जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, एप्सिलॉन डेल तकनीकी, एप्सिलॉन डेल तकनीकी के प्रयोग से सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित कीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू टू एफ एक्स इज इक्वल टेन, जहां हमें एफ एक्स दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है एफ एक्स का वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 6 डिवाइडेड बाई कितना एक्स माइनस 2 और एक्स नॉट इज इक्वल टू। चलो मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको दिया है, सीधा आपको दिया रहेगा एप्सिलॉन डेल टेक्निक या एप्सिलॉन डेल तकनीकी के प्रयोग से सत्यापित करना है बोल रहे हैं, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल 10 दिया है, जहां एफ एक्स का भी वैल्यू आपको दिया रहेगा, यहां पर दिया है 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2। चलो क्या सत्यापित करना है भाई, ये देखिए इसको दर्शाने के लिए हमारे पास देखो ए के प्लेस पर कौन है, ध्यान देना ए के प्लेस पर कौन है 2 और एल के प्लेस पर कौन है 10। तो जहां जहां आपने ए राइट किया था वहां वहां 2 राइट करोगे, और जहां एल था वहां पर 10 राइट करोगे, और जहां एफ एक्स था उस एफ एक्स का वैल्यू रखोगे। कैसे आता है देखते हैं, हमें दर्शाना है प्यारे बच्चों, देखिए जल्दी मैं इसको बनाता हूं आपके लिए, ये देखो एक सेकंड बच्चों, हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई, कि दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल इज ग्रेटर देन जीरो धनात्मक संख्या है का अस्तित्व, ये देखते जाइएगा इस प्रकार है, कैसा है, आपके पास यहां पर 2 है तो 0 इज लेस देन मॉड एक्स माइनस 2, मैंने ए के प्लेस पर 2 रख दिया, 0 इज लेस देन मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन डेल इंप्लाइज यहां पर मैंने राइट किया, ये देखो एफ एक्स इज लेस देन कितना एप्सिलॉन, इतना लाना है, इतना हमको सत्यापित करना है। देखो ए के प्लेस पर मैंने 2 प्लेस्ड किया और इसके प्लेस पर 10 रखा बच्चों, ठीक है, बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है ना।
हाँ बिल्कुल बीएससी, राहुल चौहान जी बीएससी फाइनल का भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है, बहुत बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए। हाँ अच्छा, सृष्टि जैन गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे। देखें, अब मैंने कहा जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस टू इज लेस देन डेल इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस टेन इज लेस देन कितना एप्सिलॉन। एल के जगह आपने टेन बिठा दिया, ए के प्लेस पर क्या रख दिया, टू, आपको दिया है ना क्वेश्चन में, देखो ये टू दिया है और टेन दिया है। अब मैंने कहा था कि ये हमारा असमीका है, पहले असमीका राइट करूंगा मैं, और यहां पर ये एफ एक्स माइनस टेन है, तो एफ एक्स माइनस टेन एलएचएस को लेकर के हम लेकर के आएंगे लेस देन एप्सिलॉन। तो चलिए प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या दिया है। परंतु असमीका, ये देखो, परंतु असमीका इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या दिया है, जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस टू इज लेस देन डेल, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं मेरे बच्चों। अब एलएचएस लेकर चलते हैं, देखो एफ एक्स माइनस कितना टेन, ये देखो मैंने कहा था ना एफ एक्स माइनस टेन लीजिए, वहां पर एल लिए थे एफ एक्स का वैल्यू, तो एक्स मैंने सपोज कर लिया था, एक्स माइनस ए प्लस ए कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, बस वही चीज यहां पर हम एफ एक्स का वैल्यू यहां पर डालेंगे। चलो एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं, कितना है एफ एक्स का वैल्यू चेक कर लेते हैं बच्चों, एफ एक्स का वैल्यू है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये देखो अपॉन एक्स माइनस टू, चलो रखो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस टू माइनस कितना टेन। ये देखो हमने वो जो फंक्शन गिवन था उसका, यानी जो प्रूफ करना था उसको एलएचएस को राइट किया, एफ एक्स माइनस टेन लिया और उसमें एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया, रख दिया। ये देखो बच्चों इसको आप क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, क्या करके देखें क्या फैक्टर, चलो अलग से फैक्टर करके देखते हैं कुछ आता है क्या, नहीं तो एलसीएम ले लेंगे। अब देखो सिक्स है तो सिक्स का जो फैक्टराइजेशन करेंगे, टू थ्री जा सिक्स होता है मालूम है ना, तो एक्स स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, हमको प्लस चाहिए तो यहां पर हम एक काम करते हैं माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स कर देते हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा प्यारे बच्चों। और एक्स एक्स माइनस टू आया प्लस थ्री, आपने एक्स माइनस टू लाया इज इक्वल जीरो, और आपने ये फैक्टर कर लिया भाई। ये देखो ये रफ वर्क है, आप साइड में कर सकते हैं उसको, आपने इसका वैल्यू निकाल लिया, देखो अलग अलग कर दिया, फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया, इसको उठाइएगा और इसके प्लेस पर रखिएगा। चलो इसको उठा करके हम यहां रख देते हैं, रखे क्या, बिल्कुल रखिएगा, तो आपने पाया टू और ये हो गया प्यारे बच्चों एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री और डिवाइडिंग बाई आपको मिला एक्स माइनस टू माइनस कितना टेन। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो भाई जो कैंसल हो रहा है उसको तो पहले कैंसल कर लो, ये एलएचएस चलेगा ना, इसको हम लेकर के आएंगे, देखिए आगे बढ़ाएंगे। तो टू हमारे पास रिमेनिंग क्या है, बचा हुआ क्या है, टू एक्स प्लस थ्री माइनस कितना टेन, आगे बढ़िएगा। तो हमारे पास इधर एफ एक्स माइनस टेन है प्यारे बच्चों, और इधर आया है टू, यहां पर एक्स प्लस थ्री और माइनस कितना है यहां टेन। चलिए मैंने ये भी बताया था बच्चों, यहां पर जब कभी भी सॉल्व करोगे तो जो असमीका लिए हो वो तो आएगा ही आएगा, यदि उतना ही बस आता है तो डायरेक्ट डेल पुट कर देना, अदरवाइज उससे डिफरेंट आता है तो आप डेल इज इक्वल वन को भी सिलेक्ट करोगे, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे आपको पता चलेगा। आइए इसको सॉल्व करें, टू एक्स माइनस कितना सिक्स, सॉरी प्लस सिक्स और ये हो गया टेन। तो यहां पर आप क्या करो, टू एक्स माइनस कितना हो गया प्यारे बच्चों फोर, अब इनमें से मैंने टू को कॉमन लिया, ये देखो x माइनस टू आया, आपने इनइक्वालिटी असमीका x माइनस टू लिया है कि नहीं लिया है, बिल्कुल लिया है, आपको मैं दिखाता हूं, आपने असमीका लिया है प्यारे बच्चों x माइनस टू, तो असमीका जो रहेगा वो तो हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, यदि उतने ही रहता है तो हम केवल डेल रखेंगे, और यदि उससे डिफरेंट आया, मान लो x माइनस टू है तो x माइनस टू और साथ में और आ गया कुछ x प्लस टू आ गया, तो हमें एक डेल इज इक्वल वन रखकर उस एक्स प्लस टू के लिए भी नंबर लेकर के आना होगा, धनात्मक संख्या लेकर के आना होगा, ताकि हम उस डेल को सेलेक्ट करके एक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ला सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, मॉड एफ एक्स माइनस टेन इज लेस देन एप्सिलॉन लाना,
यही हम काम करने वाले हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखो 2x+3-10 आया है, देखिएगा ये आ गया। अब इसको हम असमीका से रखेंगे, तो असमीका में हम क्या माने हैं, देख लो समीकरण एक से लिख रहा हूं इसको। हमारे पास असमीका 0 is less than mod x minus 2 is less than del है, तो लेस देन डेल है तो एक्टिव होगा डेल। ये देखिए डेल राइट कर लिए, f(x-10). अब इसके बाद ये तो पूरा नंबर आ गया भाई। डेल का चुनाव करेंगे, क्या करेंगे, डेल का चुनाव करेंगे बच्चों, डेल का सिलेक्शन करेंगे। तो डेल का चुनाव इस प्रकार करते हैं, कैसा करते हैं, क्वेश्चन को देखिए जो सॉल्व हो रहा है उसको देखिए। डेल के जगह क्या रखेंगे कि हमको एप्सिलॉन मिले, तो डेल के जगह हम रखेंगे epsilon/2, तभी तो लेस देन epsilon मिलेगा, यही सिलेक्शन करना था। बिल्कुल, यहां पर डेल की जगह epsilon/2 रखिएगा। अब आप पाइएगा प्यारे बच्चों f(x-10) और ये क्या हो गया, लेस देन कितना, epsilon। या ऐसा एक काम कर सकते हो, 2 into कितना हम रखे हैं, epsilon/2। ये देखो हमने पाया f(x) = कितना, epsilon। यही लाना था, बिल्कुल यही सॉल्व करना था। अतः कह देंगे, अतः डेल का अस्तित्व है, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, एक काम करो, डेल का अस्तित्व लिखने के बजाय इस प्रकार दिए हुए epsilon > 0 के लिए डेल, यहां पर देखो इसको हम epsilon/2 माने हैं, is > 0 है ना, डेल epsilon/2 है ना, यहां पर लिख सकते हैं का अस्तित्व, या इसको ठीक है का अस्तित्व इस प्रकार है, कि f(x-10) या डायरेक्ट लिख दो ना, ये तो अपन लिए हैं पहले, ये हमने प्रूव कर लिया, और इसको हम राइट कर सकते हैं इंप्लाइज limit x → 2 f(x) = 10। ठीक है बच्चों, बस इस ढंग से आपको काम करना है। चलो एक बार और देख लीजिएगा, और दूसरा क्वेश्चन देंगे एकदम परफेक्शन आ जाएगा, देखना दूसरा क्वेश्चन के बाद। देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया था कि सत्यापित कीजिए limit x → 2 f(x) = 10। हमें साथ में दिया है f(x) = x²+x-6 / x-2, x ≠ 2, दैट इज यहां पर हमको क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, हमें दर्शाना है कि ये देखो इतना दर्शाना है, तो इसको दर्शाने के लिए हमें सत्यापित करना होगा कि दिए हुए epsilon > 0 के लिए एक धन पूर्णांक del > 0 का अस्तित्व इस प्रकार है कि 0 is less than mod x - 2, a की जगह 2 less than del implies mod f(x - L के जगह में 10 is less than epsilon लेकर आना है। अब हम ये तो असमीका हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, 0 is less than mod x - 2 is less than del, हम यहां पर इसका LHS लेकर चलते हैं और इस LHS में दिखाते हैं कि हमें क्या लाना है f(x - 10 is less than epsilon, तो हम LHS लेकर के चलेंगे ना। हमने रखा इस fx का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, इसको रखने के बाद हम यहां पर फैक्टर किया, फैक्टर करने से हमको मिला प्यारे बच्चों x - 2 और x + 3, x + 2 को कटाइएगा और 2x + 3 पाइएगा -10। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली हमने पाया 2, कॉमन निकाला गया और हमको मिला x - 2। मैंने कहा था कि इनइक्वालिटी तो आएगा ही आएगा, तो हमारे पास एक ही आया, इसलिए हम डायरेक्ट डेल रखे, डेल का सिलेक्शन किए, epsilon/2 हुआ और 2 कैंसिल किए तो लेस देन epsilon हुआ, और इस तरीके से मापांक mod f(x - 10 is less than epsilon, यही तो हम लाना चाहते थे। अतः हम लास्ट में लिख देंगे limit x → 2 f(x) = 10, limit x → 2 f(x) = 10, यही सत्यापित करना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन राइट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन करने के बाद अच्छा समझ में आ जाएगा। epsilon del तकनीकी के प्रयोग से, तकनीकी के प्रयोग से सत्यापित कीजिए सत्यापित
सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है प्यारे बच्चों? ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल फोर। चलो देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल फोर, इससे पूरा आसान हो जाएगा पूरा क्वेश्चन जो है। ये देखो, इसको सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें सत्यापित करना है, सत्यापित करना है कि डेफिनेशन वही लिखना है जो मैंने बताया है, दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धन पूर्णांक डेल इज ग्रेटर देन जीरो का अस्तित्व कैसा है, इस प्रकार है कि जीरो इज लेस देन मॉड, यहां भी अभी भी एक्स टू टू दिया है तो क्या करोगे भाई, पहले भी टू था अभी भी टू है, तो ऐसा मत समझना कि हर क्वेश्चन में टू रहेगा भाई, ये संयोग की बात है ना, कि ये हमको टू मिल गया, समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चों, हर में टू नहीं होगा, पहला क्वेश्चन में टू आ गया, इसमें भी टू आ गया, तो ऐसा नहीं है कि सब में टू रहेगा, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मॉड एक्स माइनस टू इनइक्वालिटी हमको मिल गया और हमको लाना है प्यारे बच्चों, ये देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन कितना एप्सिलॉन, ये हम लेकर के हमको आना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने डेफिनेशन के थ्रू आप राइट कर लिया, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। यहां पर पहला काम क्या करते हैं, असमिका राइट करते हैं, परंतु असमिका क्या है भाई हमारा, इनइक्वालिटी असमिका जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस टू इज लेस देन कितना डेल, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक समझ में आ गया? अब मैंने कहा था एलएचएस लेकर चलना है, जो लाना है तो हमको लाना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये देखिएगा हमें लाना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसी को लेकर चलेंगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको ब्रेक करेंगे x माइनस टू और x प्लस टू। बच्चों आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, उसी बेस पर हमने इसको x माइनस टू और x प्लस टू कर दिया। ये प्रोडक्ट है, ये गुना में है, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिएगा x माइनस टू मॉड अलग हो गया और x प्लस टू अलग हो गया, ये इक्वेशन आप टू मान लिए। क्यों माना गया भाई, मैंने कहा था एक इनइक्वालिटी एक असमिका तो आएगा ही आएगा, आपको x माइनस टू मिल चुका है, यदि यही बस रहता तो डायरेक्ट पुट कर देता, लेकिन एक्स्ट्रा और आ गया है प्यारे बच्चों। एक्स्ट्रा कौन आ गया, x प्लस टू आ गया, हमें उसके लिए डेल इज इक्वल वन सेलेक्ट करना होगा। मैंने कहा था यदि डिफरेंट आएगा, यदि अलग से आएगा तो हम डेल इज इक्वल वन सेलेक्ट करेंगे। तो समीकरण एक में इसका मान निकालने के लिए, इसका वैल्यू यहां पर फाइंड करने के लिए, इसको नंबर बनाने के लिए, ऐसा कहो नंबर बनाने के लिए, हम यहां पर डेल इज इक्वल वन चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो समीकरण एक में डेल इज इक्वल वन रखने पर, चलो यही तो चुनाव हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। अब आपने यहां पर रख दिया भाई, चलो रख दिया, तो मॉड एक्स माइनस टू इज लेस देन कितना हो गया वन। हमें यहां पर क्या लाना है, ध्यान देना एक्स प्लस टू लाना है। तो मैं क्या किया, ये मेरे पास है अभी, मैंने एक्स प्लस टू राइट किया, ठीक है, और एक्स प्लस टू को मैं यहां पर क्या राइट कर सकता हूं, ध्यान देना, एक्स माइनस टू मेरे पास है, एक्स प्लस टू को राइट क्या कर सकता हूं, देखिएगा मैंने क्या किया, माइनस टू किया तो इधर प्लस फोर कर दिया, चलेगा क्या, माइनस टू प्लस फोर कितना होगा, प्लस टू होगा। आपने यहां पर टू का पाउडर लगा दिया प्यारे बच्चों, इसके चेहरे को बदल दिया, कौन सा पाउडर लगाए, टू पाउडर, ठीक है, प्लस टू किए माइनस टू किए, यही तो हमारा पाउडर है, तो आपने यहां पर इसका चेहरा बदल दिया। यदि आप इसके पाउडर को हटाइए तो वापस आपको चेहरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलने वाला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेंगल इनइक्वलिटी लगाएंगे, त्रिभुज असमिका लगाएंगे। हम जानते हैं मॉड एक्स प्लस वाई मापांक एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो बच्चों। आइए देखेगा एक्स माइनस टू और मापांक मॉड एक्स माने फोर हो गया,
हमको तो नंबर चाहिए और वह भी पॉजिटिव चाहिए। तो यहां पर देखो, आपने ये जो इक्वेशन है इसको सपोज किया है, तो इसका वैल्यू यहां रखो, चलो लेस देन वन सपोज किया है कि नहीं किया है, यहां वन रख दिया मैं। ये देखो इस वैल्यू को रखना है, जो आपने डेल इज इक्वल वन सेलेक्ट किया उसी को रखना है। आपने यहां पर वन रखा, इधर कितना हो गया 4 और लेस देन कितना हो गया 5। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। हाँ बिल्कुल, बीएससी फाइनल का भी हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग हमको मैसेज किए हैं प्यारे बच्चों, बीएससी फाइनल का बिल्कुल लेंगे। बस आप लोग क्या करो, बीएससी फाइनल वाले बच्चों को एकत्रित करो, फिर हम 10 बजे हो या 9 बजे हो आपके लिए हम लाइव क्लास लेकर आएंगे, डेली क्लास रखेंगे प्यारे बच्चों। बस इतना ही काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आना है ताकि वो देख सके। पूरा फ्री है, आपको ना पैसा लगना है, कुछ लगना नहीं है। नेट तो ऐसे भी खर्चा करते हो प्यारे बच्चों, है ना। तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है और कहीं ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, केवल आपको यहां पर दो चैनल है हमारा, एक विजय सर क्लासेस और दूसरा बीएम जेनेसिस, दोनों में जाइए सब चीज मिलना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमने लेस देन 5 कर लिया, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3। अब हम क्या काम करेंगे, देखो 1 और 3, देखो ये क्या मिला है आपको, कैसे मिला समझ में आया ना। आप डेल इज इक्वल 1 चुने, 1 चुनने के बाद आपने ट्रेंगल इनइक्वालिटी लगाया, यहां पर क्या किया आपने +2 किया -2 किया ताकि x -2 के फॉर्म में ला सके और इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सके। प्यारे बच्चों हमने यहां 1 रखा, यहां 4 रखा और ये हो गया लेस देन 5। अब इसके बाद देखो मॉड x प्लस लेस देन 5, आपने क्या किया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन थर्ड है इसका वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना है आपको, करोगे ना, बिल्कुल वही काम करना है। तो चलिए हम लिख देते हैं, 1 और 3 का मान 2 में रखेंगे, तो 1 का मान लेस देन डेल रखेंगे, यहां पर डेल रखेंगे और इसके जगह में लेस देन 5 रखेंगे। चलो रखो, समीकरण 1 व 3 का मान, 3 का मान 2 में रखने पर, चलो बच्चों देखें जल्दी 2 में रखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4 लेस देन एक्स माइनस 2 के जगह डेल है और इसके जगह 5 है, तो आपने पाया है प्यारे बच्चों लेस देन कितना 5 डेल। ये देखो, तो डेल का चुनाव पुनः करना है, एक बार तो कर चुके हो, एक बार 1 कर चुके हो, डेल का चुनाव सिलेक्शन इस प्रकार करते हैं, कैसा करते हैं भाई, कि डेल इज इक्वल कितना एप्सिलॉन अपॉन 5। ये देखो यहां पर क्या रखें कि हमको एप्सिलॉन मिले, एप्सिलॉन अपॉन 5 रखें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5 और ये एप्सिलॉन अपॉन 5, 5 कैंसिल और यही तो आपको लाना था लेस देन कितना एप्सिलॉन। तो हम क्या राइट करेंगे अब इसके बाद, नोट करो इसको जल्दी, एप्सिलॉन अपॉन 5 आपने सिलेक्ट किया, 2 बार सिलेक्ट किया है बच्चों, तो 2 बार सिलेक्ट किया है तो डेल इज इक्वल आप क्या लीजिएगा, मिनिमम पहली बार में 1 किया, दूसरी बार में एप्सिलॉन बाई 5 किया, ठीक है। ये देखो, तो इसको मिनिमम इस प्रकार डायरेक्ट आप लिख सकते हो बच्चों, इस प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर इज इक्वल कितना 4। यदि आपने इस प्रकार राइट कर लिया, सत्यापित कर लिया, तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर इज इक्वल 4। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, पहला में तो केवल 1 असमीका बस आया था, दूसरे में हम 1 का चुनाव के, बस इन्हीं दोनों क्वेश्चन पर आधारित है पूरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो कल हम फिर से मिलेंगे 9 बजे, फिर मिलेंगे बच्चों, कल हम बाकी का और क्वेश्चन कराएंगे, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एप्सिलॉन डेल परिभाषा के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों है ना, आज बहुत दिनों बाद पहला क्लास था लाइव क्लास, ऐसे तो हम 3-4 महीना से बंद करके रखे थे, तो आज से हमने शुरू किया है। बस आपको एक काम करना है, अपने अपने कॉलेज में अपने दोस्तों को बताना है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे इस लाइव क्लास में बैठ सके और उसका आनंद ले सके, बच्चों ज्ञान बढ़ा सके, ठीक है ना। और आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कहीं ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा खर्चे करने की जरूरत नहीं है, बस घर बैठे आप पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर A to Z यहां से आपको प्राप्त होगा।
याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।